ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି କିଛି ନେଟୱର୍କ ହଉଛି ନୋ ସାର ଓକେ ଦିବ୍ୟା ଶ୍ରୀ ସମଝ ମେ ଆ ରହା ହେ ଏନି ୱାରନିଂ ନୋ ସାର ଓକେ କମ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଟୁଡେ ଡିସ୍କସ ଅବାଉଟ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ ओके तो आज हम डिस्कशन करवा फोटोसिंथेसिस के तो फोटोसिंथेसिस बारे में बताना चाहता हूं कि फोटोसिंथेसिस होता है हां सर यस क्लियरली समझ तो सुबह चलो छियो यस सर ओके आज हम डिस्कशन करवा कि फोटोसिंथेसिस तो वर्तमान जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अछि तो ऑलरेडी समझते बिषय तुम ऑलरेडी अगुर जानिचो तो फोटोसिंथेसिस माने को तो नॉर्मली आमे बर्तन डिस्कशन जो फोटोसिंथेसिस कहियो चाहुची जो टर्म जो यूटिलाइज कर जो फोटोसिंथेसिस लिसन ऑल ऑफ यू तम मानकर बायोलॉजी रे प्राय तो सब वर्ड रे तो डेफिनेशन लुचिक थाए जो फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस मीनिंग को तो फोटोसिंथेसिस मींस द फोटो दैट मींस फोटोन दैट कमिंग फ्रॉम द लाइट दैट मींस लाइट फोटो मींस फोटोन फोटोन वास्तिको लाइट and synthesis ka meaning hota hai kya to prepare is in all of you synthesis ka meaning to prepare or synthesize normally kahiba gole jodi kon hue light ko use kari ki jodi preparation hochi to preparation hochi means light ki use kari ki jodi am food preparation hochi tale ame seti kon kahiba photosynthesis clearly samaste subu all of you yes sir yes sir to photosynthesis meaning what yes any problems sir can you repeat once again cause apne aap hi band ho gaya screen abhi dikhai de raha screen aapko ha sir abhi dikhai de raha lekin abhi just na thode der pehle matlab pura apne aap hi screen band ho gaya tha iske liye okay theek hai come to point main ye bata raha tha ki jo ye photosynthesis process hota hai photosynthesis means jo do term hota hai photo and then synthesis photo means photon तो फोटोन मतलब होता है क्या फोटोन मतलब लाइट लिसन ऑल ऑफ यू फोटोन PHOTON फोटोन का अर्थ होची जो फोटोसिंथेसिस अछि फोटोसिंथेसिस फोटोन का अर्थ फोटोन अछि फोटोन रो मीनिंग बोली दैट मींस लाइट लिसन ऑल ऑफ यू टिके म्यूट करो जे क्वेश्चन पचला कम पचला ये करो म्यूट करो समझते फोटोन फोटोन का मतलब क्या होता है लाइट एंड जो सिंथेसिस मीनिंग है सिंथेसिस का मीनिंग टू प्रिपेयर तो बर्तमान भी कौन डेफिनेशन जानले ता माने लाइट की यूज कर जे प्रिपेयर हो जी कौन प्रिपेयर हो जी ताने फूड प्रिपरेशन हो जी ताले हम से के फोटोसिंथेसिस ताने लाइट की यूज हो लाइट प्लांट बॉडी को करबो लाइट की यूज करबो लाइट की यूज कर के बर्तमान निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करबो ताको हम कहबा फोटोसिंथेसिस ओके ऑल ऑफ यू तो बर्तमान भी हम तो कंप्लीटली हम तार वर्ड रो ता जो वर्ड रो फोटोसिंथेसिस टर्म रो हम बर्तमान यूटिलाइज करले डिराइव करले जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस एक्चुअली डेफिनेशन हम जो जीवा यस सर प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल सर और ये मैं बोल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं मैं ओडिया लैंग्वेज में बोल रहा हूं इंग्लिश में हिंदी में हिंदी में लैंग्वेज पढ़या करियो जितो कम तीन टा लैंग्वेज कवर दिव्या श्री बिकॉज़ ऑफ हमारे के बुक में ब्याच रे ओडिया प्लेयर भी अच्छा है सती यस सर यस सर सती में बोल ठीक है ओडिया बहुत ही इंग्लिश को हिंदी को भी ठीक है एडजस्ट कर ओके जस्ट एडजस्ट इट ओके तो फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होता है जो मैं अभी मैं बता के फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या हुआ जो प्लांट बॉडी होते हैं सिर्फ कोंकले में निज खाद्य निज प्रस्तुत करले जेहे तो निज खाद्य निज प्रस्तुत करते तो प्रकार के जैसे लाइट के जैसे रे हम तो कोले फोटोसिंथेसिस जो लाइट के प्रेजेंस रे प्लांट बॉडी को पहुंचे ना निज फूड करके सुबह जाओनी सर सुबह जाओनी अभी सुनाई दे रहा है क्या ना सुनाई दे रहा है ओके ऑल ऑफ यू समस्त सुबुचे प्रॉब्लम हो जी समस्त क्लियर सुबुचे तुम वॉइस यस सर लाइट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अरे दिव्याश्री दिव्याश्री तोर प्रॉब्लम होची दिव्याश्री समस्त क्लियर सुबुची नो सर नो सर
क्लियरली सुबु नहीं बे क्लियर सुनाई क्लियर सुबु समझते हो अलग शु क्लियरली सुनी पर चो तेरे किसी साउंड हो जी हाँ सर एबे सुबिला एबे सुबिला किधर समात भाई तो समझते हो कि म्यूट कर दियो तम्माने समझते म्यूट करो म्यूट कला पर समझते थे काइंडली सम पिंडर ऑफ साइलेंस रे सुनाओ म्यूट करो समझते बटन म्यूट कैन बिकॉज़ तम्मा साउंड तब बहुत ज़्यादा आवाज़ सुझी ओके क्लियर सुन सुनी पाचो बे यस सर ओके तो मु एबे कहली जो फोटोसिंथेसिस रे मीनिंग को फोटोसिंथेसिस मींस एटा को इट इज वन टाइप ऑफ एनाबोलिक प्रोसेस इन व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दैट मींस व्हाट एबे मु तो मानु कहली ये प्रोसेस टा होची वन टाइप ऑफ एनाबोलिक प्रोसेस वन टाइप ऑफ एनाबोलिक प्रोसेस जो प्रोसेस को हुए नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूटिलाइज्ड होंदी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दरकार होंदी एवं प्रोडक्शन कोन हो ना प्रोडक्शन हो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एबे कोन होची कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूटिलाइज है कि प्रोडक्शन देबे ग्लूकोज बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दैट मींस एबे कोन नॉर्मली कोन होची तले आमे कांसेप्ट जानले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दीटा को यूटिलाइज्ड हेबे दीटा को कॉम्बिनेशन यूटिलाइज कहा तरह हेबे ना प्लांट बॉडी तरह हेबे एंड प्लांट बॉडी रे कोन हो ना प्लांट बॉडी फॉर्मेशन हो ग्लूकोज तो ग्लूकोज एबे फॉर्मेशन कहा रहा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट मॉलिक्यूल्स ये कंप्लीटली के थ्योरी का सोत वर्तमान तुम डेफिनेशन का सो मु फास्ट कहली इट इज ए एनाबोलिक प्रोसेस एनाबोलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है एनाबोलिज्म माने कैटाबोलिज्म ऑल ऑफ यू सुनाई दे रहा है क्लियर किसी प्रॉब्लम हो छी ओके तो वर्तमान तो मानो कहली लिसन ऑल ऑफ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इफ फॉर द एमसीक्यू बता ना एमसीक्यू पे इट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन ना फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबोलिक प्रोसेस तो जो एनाबोलिक प्रोसेस मु तो मानो को जी फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक प्रोसेस एनाबोलिक का मीनिंग व्हाट इट रिफर्स टू द प्रोसेस व्हिच बिल्ड्स अप द मॉलिक्यूल्स एबे कोन होबो ना एनाबोलिक प्रोसेस कहले ई कोन करिवो ना मॉलिक्यूल्स गुडे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करिवो एटा गुडे मॉलिक्यूल से बर्तन फॉर्मेशन करिवो किंतु कोन करे ना नॉर्मली ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उपर नेबो किंतु कोन होबो ना छोटो छोटो सिंपल मॉलिक्यूल को नेकी त सिंपलेस्ट को कंबाइनली से माने कहबे ना कंबाइनली रिक्वायरमेंट करिवो सिंपल मॉलिक्यूल से माने नेकी नॉर्मली कोन होबो ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तैयार होबो लिसन ऑल ऑफ यू माउथरी कोजी तो नॉर्मली एनाबोलिक प्रोसेस रे कोन होबो ना जत्ते गुडे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल अछि सपोज भाबो ए E and C, A and B and C, use three types of simplest molecule. Suppose, ये तीन तरह का molecule को हम बेना combinedly fusion करेंगे, वोटे Z molecule formation करें, जो उटा की वोटे complex molecule. तो हम देखो ये जो simple molecule थी ला A, B, C, ये जो तीन ले, बर्तन तीन तरह का complex molecule एक का इतनी combinedly formation है ये complex बड़ा molecule डालो जो Z molecule को चें, तो ये process रे कहाँ वो, ने energy दरकार है वो, energy required. दैट मींस एनाबोलिक प्रोसेस में क्या होता है नॉर्मली एनाबोलिक प्रोसेस जो होता है इस तो एथि कोन हुए नॉर्मली तीनटा जो सिंपल मॉलिक्यूल गुड़ी को सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइंड हिस माने कोन करबे कंबाइंडली फॉर्मेशन करबे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करु जई जो उते पे कि एनर्जी रिक्वायरमेंट हो दिस लिसन ऑल इशू सुनाई दे रहे यस सर यस सर काटा एबे देखो इटा थिला एनाबोलिक प्रोसेस एबे आसो काटाबोलिज्म प्रोसेस क्या होता है तो काटाबोलिज्म मींस लिसन काटाबोलिज्म क्लियरली इटा मोस्ट इंपोर्टेंट काटाबोलिज्म माने एनाबोलिज्म लिसन ऑल इशू तुम राइट आंसर तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा गया तो फोटोसिंथेसिस विषय जब कोई पूछला तले मन रखियो फोटोसिंथेसिस जो एनाबोलिक प्रोसेस काटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है काटाबोलिज्म मींस इते हम रिवर्स ऑर्डर जीवा रिवर्स माने जेतला जेड होची कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जेटा उते हम भांगीबा वर्तमान तीनटा मॉलिक्यूल सपोज ला छोटो छोटो मॉलिक्यूल ए बी एंड सी तामने इति काटा बोले जमने हमर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलटा ब्रेक डाउन होई के देबो सिंपल मॉलिक्यूल जोटा कोची ए बी सी पहिले एटी कंपना एटी एनर्जी रिलीज होबो एटी सेटी एनर्जेटिक होबो ना रिलीज होबो नॉर्मली एनाबोलिज्म प्रोसेस रे कोन करतले ना एनर्जी रिक्वायरमेंट होतला फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बट काटाबोलिज्म प्रोसेस रे कोन होबो ना काटाबोलिज्म मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होबो एज फॉर रिजल्ट एनर्जी रिलीजेस
जहाँफल की एंडोस्टा रिलीज होता डिफरेंस बिटवीन द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज इट क्लियर एनी प्रॉब्लम कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म किसी प्रॉब्लम बुझी पालनी समस्त को क्लियर होला कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म यस यस सर बर्तमान है तुम मान को जो कहली फोटोसिंथेसिस गोटे एनाबॉलिक प्रोसेस जो प्रोसेस कौन हुए ना नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूटिलाइज हम प्रोडक्शन हम कौन ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड देन कहा प्रेजेंस रे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मुसेती कौन कहली एनाबॉलिक प्रोसेस इन व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ये प्रोसेस रे सनलाइट जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं प्रेजेंस रे बर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूटिलाइज्ड हे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज इवॉल्व टू द एटमॉस्फेयर ये प्रोसेस रे कौन हुए ना ऑक्सीजन टा जो रिलीज हुए एटमॉस्फेयर रिलीज हो ताले द मोस्ट इंपोर्टेंट देखो तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूटिलाइज होता এবং গ্লুকোজ প্রোডাকশন যে গ্লুকোজ একটা নিউট্রিয়েন্ট যেটা প্লান্ট বডি গোটে ওয়ান প্রকার গোটে আমি কে নিউট্রিয়েন্ট বলে কোছে তো প্লান্ট বডি তো নিউট্রিয়েন্ট কোছে এবং ফর্মেশন কম হচ্ছে না অক্সিজেন ফর্মেশন হচ্ছে তো যে অক্সিজেন ফর্মেশন হল সে অক্সিজেন পলিলা এনভায়রনমেন্ট কো পলিলা কিন্তু গ্লুকোজ মলিকুলটা বর্তমান রই গেল কোটি প্লান্ট বডি ভিতরে যে প্লান্ট বডি ভিতরে গ্লুকোজটা রই গেল সে বর্তমান গছ পাই আর কোন করিব না গোটে প্রকার খাদ্য ভাবে ব্যবহার ব্যবহৃত হই পারিব না ইউটিলাইজড একটা যে ফুড মলিকুলস বা ফুড সাপ্লাই তো কন্ট্রোল পয়েন্ট এটি কম হুয়ে তো সমস্ত কাম হলা তো সমস্ত এই যে ইকুয়েশনটা হচ্ছে কেএসপি ইকুয়েশন সব সমস্ত রিমাইন্ড করিব ও সমস্ত মনে রাখিব ওকে দ্যান দ্যাট মিন্স দ্য 6CO2 12 ওয়াটার ইউটিলাইজড ইন দ্য প্রেজেন্স অফ সানলাইট এন্ড ক্লোরোফিল মলিকিউল এন্ড প্রোডাকশন অফ দ্য গ্লুকোজ দ্যাট মিন্স 6 H2O6 এন্ড 6 অক্সিজেন এন্ড 6 ওয়াটার মলিকিউলস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টটা তো এটা সমস্ত এই ইকুয়েশনটা কো সমস্ত মাইন্ড রে ফিডিং করে দেব ওকে নেক্সট বর্তমানে বেতন সব জানিবা বর্তমান যে কার্বন ডাইঅক্সাইড আসলে কোটো বর্তমান কার্বন ডাইঅক্সাইড কাহা সে কা ভাবে আসিলা বর্তমান ওয়াটারটা কোটো আসিলা বর্তমান সানলাইট কিমিতি পড়লা যা পড়ে কি প্রসেসটা কি আউট হইলা বর্তমান দেখো এবে তোমানকু মু বর্তমান স্ক্রিনে দেখোছি লিসেন এবে দেখো হিয়ার বর্তমান প্রথম স্ক্রিনে সমস্যা কি আছে দেখো এই প্রসেস কি হতে দেখো হিয়ার এই যে ওয়াটার মলিকুল আমি অলরেডি জানি গলে এটি দরকার হবো কোন কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ওয়াটার ये देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर होते हैं एटमॉस्फेयर होते हैं ना नहीं एटमॉस्फेयर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर मॉलिक्यूल थिला वाटर मॉलिक्यूल बर्तन थी वो कौन ना सॉइल ग्रेविटी मीन्स जो बर्तमान में कौन से सॉइल सरफेस थी वो वाटर बर्तमान এবে কার্বন ডাইঅক্সাইড আটমোস্ফিয়ার আসিলা হিয়ার এন্ড দেন ওয়াটার মলিকুলসটা গলা কোটি সয়েল গ্রাভিটি রু কাহা তোরা অবজার্ভ হলা না রুট মাধ্যমে অবজার্ভ হলা এন্ড যে ক্লোরোফিল মলিকুলস যেটা আমি বলছি ক্লোরোফিল মলিকুলস দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য লিফ লিফ যে সারফেস আছে সে লিফ সারফেস নো হতে ক্লোরোফিল মলিকুল ক্লোরোফিল মলিকুল প্রেজেন্ট থাকে কোটি না লিফ সারফেস রে ওকে নেক্সট বর্তমানে আটমোস্ফিয়ার আসলা কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটার আসলা সয়েল গ্রাভিটি রু বর্তমানে লিফ রে ক্লোরোফিল মলিকুল যেতলে সানলাইট পড়ছি সে সময় কোন হবো না প্লান্ট বডি ভিতরে ফর্মেশন হবো সুগার মলিকুল গ্লুকোজ ফর্মেশন হলা এন্ড যে অক্সিজেন রিলিজ হচ্ছে সে অক্সিজেন যে ফর্মেশন হলো সে অক্সিজেন আটমোস্ফিয়ার কু রিলিজ হয়ে গেল ইজ ইট ক্লিয়ার হ্যালো শিব यस सर প্রসেস সমস্ত বুঝতে পারলো ওকে বর্তমানে এবে আসো স্যার ইট ডিড কম্বিনেশন রিঅ্যাকশন স্যার সরি ইজ ইট এ কম্বিনেশন অফ স্যার কম্বিনেশন রিঅ্যাকশন স্যার ইজ ইট কম্বিনেশন রিঅ্যাকশন স্যার ইজ কম্বিনেশন রিঅ্যাকশন স্যার কম্বিনেশন অফ দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটার এন্ড প্রোডাকশন অফ দ্য গ্লুকোজ মলিকিউল ইয়েস স্যার ওকে তো নরমালি কি হতে বর্তমান লিসেন অল ইস্যু তোমার ক্লিয়ারলি সমস্ত স্ক্রিনে দেখি পড়ছো বর্তমান প্রসেসটা কো দেখো এটি সমস্ত দেখিছি বর্তমান দেখো তুমি বর্তমান স্ক্রিনে সমস্ত দেখিবা তো ডেফিনিশন দেখো ডেফিনিশন কোন লেখা আছে ডেফিনিশন মেনশন আছে ক্লিয়ারলি সমস্ত কো দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার সমস্ত কো অল ইস্যু ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার বর্তমান দেখো মু অলরেডি মেনশন করছি ফার্স্ট পয়েন্ট দেখো ফটোসিনথেসিস আমি ফ্রুজ বাই অটোট্রফিক অর্গানিজম কোন পাই অটোট্রফিক অর্গানিজম কোলা বিকজ অফ যে প্লান্ট বি অছন্তি যে মানে প্লান্ট বডি অছন্তি সেমান কো কো নিজ খাদ্য প্রস্তুত করন্তি প্লান্ট সমস্ত কোন নিজ খাদ্য যেতু নিজ প্রস্তুত করন্তি কৃষ্ণ মানে তো টস ওকে অল দ্যাট মিন্স পেন না প্লান্ট বডি তে ক্লোরোফিল মলিকিউল আছে যা প্লান্ট সে নিজ খাদ্য নিজ প্রস্তুত করছি দ্যাটস নো না দ্য অটোট্রফিক অর্গানিজম তো
डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रोफी ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एनर्जी का मतलब जो साइट होते हैं नोन एज लाइट एनर्जी एंड टू मेक द सुगर एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन कौन दला सुगर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन कला एंड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहा थ्रू ना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो रहा से प्रोडक्शन होती है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वन रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर को सेकंड पॉइंट By this process, carbon dioxide water utilized for the production of glucose in presence of solid and chlorophyll molecule. Already, almost we have understood that. And the most important point is that almost during the process, oxygen evolved. So, oxygen normally comes in atmosphere evolved. Almost we have said that. So, what we have seen is oxygen here. The CO6O2 like this. Normally here, it is a sign. It is aromatic sign. Aromatic sign means it means it releases to the atmosphere. Is it clear? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. First of all, the most important matter is the photosynthesis complex. What is the significance of the photosynthesis? What will happen? Is it harmful or helpful process? So that's one of the significance of the photosynthesis. Photosynthesis complex. Normally, we know that the world survives. If the world, the total world of the earth, the living on the earth must survive because of due to the presence of the plant body. So the gods are not that, so the plant body not that, so our human beings and animals, survival are both cost. Normally, so I say once upon a time, normally, dinners will be extinguished. So animals who are not that, normally destroyed, because of due to যদি আমার প্লান্ট বডি নরহিব কাহিকি না আমি ইনভাইটলি জানলে প্লান্ট বডি আম কোন হচ্ছে না কার্বন ডাইঅক্সাইড কো বর্তমানে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবজর্ব করছে কি প্লান্ট বডি কার্বন ডাইঅক্সাইড কি করতে দেখো কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে তাকে আবজর্ব কলা কি না প্লান্ট বডি লিসিন কার্বন ডাইঅক্সাইড কো আবজর্ব করছে প্লান্ট বডি বাট ইজ ইট জাস্ট টু কো অ্যাটমোস্ফিয়ার কো রিলিজ করে অক্সিজেন এবি আমি দেখলে কার্বন ডাইঅক্সাইড নেলা কোটি অ্যাটমোস্ফিয়ার কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড কো অ্যাটমোস্ফিয়ার নেলা কিন্তু অ্যাটমোস্ফিয়ার রিলিজ করে অক্সিজেন আমমান ভাই কোন দরকার ভাই আমমান অক্সিজেন দরকার ভাই যেহেতু কার্বন ডাইঅক্সাইড বতন নউছি অক্সিজেন কো জো অক্সিজেন মানে ইউটিলাইজ করছে জো অক্সিজেন রিলিজ হতা হয় তাও কি আমি ইউজ করছে আমি মানে ইউজ করছে বিকজ আমর রেসপিরেশন পাইং কোন আমর কোন দরকার অক্সিজেন মলিকুল দরকার ভাই দ্যাটস ওয়াই বতন ইটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বিকজ যদি এটা যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড ইনক্রিজ করিব ওডি যদি ইনক্রিজ করে ইন দা অ্যাটমোস্ফিয়ার যদি ইনক্রিজ করিলা কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যামাউন্টটা তো সেটা বহুত হার্মফুল প্রসেস ইট উইল বি টেক মানে সেভারাল ডিজিজ এর মানে ব্রেথিং প্রবলেম এর মানে রেসপিরেশন প্রবলেম এর মানে কিছু যদি অক্সিজেন সাপ্লাই যদি অক্সিজেন সাপ্লাই করে যদি অক্সিজেন হ্যালো স্যার যদি অক্সিজেন দরকার তাহলে কি আমি স্যার স্যার ভয়েস ইজ নট ক্লিয়ার স্যার ইওর ভয়েস ইজ নট অডিবল প্রপারলি স্যার Yes, sir. Okay, so I'm going to tell you about it. So I'm going to break out this normal situation. So I'm going to break out this normal situation. I'm going to tell you about the information. Okay, all of you? Are you clear? Yes, sir. 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 तो नॉर्मली क्या होता है मैं अभी बताया कि जो प्लांट होते हैं नॉर्मली प्लांट बॉडी की रिक्वेस्ट है माने कौन दरकार है ना प्लांट बॉडी दरकार है कार्बन डाइऑक्साइड जेहेतु प्लांट बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड दरकार कौन पे ना तार फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तार खाद्य वस्तु को रखी किंतु प्लांट बॉडी कौन हुए ना एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड नबो किंतु एटमॉस्फेयर को रिलीज करना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन सर अपन माइक्रोफोन यूज कर जंदी सेति पई टिके बफर होजी ठीक से सुभन सर एबे एबे को सुभन के एबे क्लियर सुभन के समान को नहीं सर पैसे ना सर बीच बीच में वैसे आवाज आ रहा कुछ तो अरे क्लियर सुभन ऑल ऑफ यू क्लियर सुनी पन्ना ठीक है
ओके अभी सुनाई दे रहा है ऑल ऑफ यू यस सर यस सर ओके कम टू पॉइंट तो लिसन सुनो देखो वर्तमान तो मन मु को कहली वर्तमान प्लांट बॉडी ते वर्तमान फोटोसिंथेसिस ता को पे मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज़ ऑफ एबे प्लांट बॉडी को करछि ना प्लांट बॉडी रे वर्तमान प्लांट बॉडी को करछि ना वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड दरकार करछि एवं एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन रिलीज करछि जो ऑक्सीजन ता नॉर्मली हमरो आमो पई दरकार जो रेस्पिरेशन पे नॉर्मली आमो मन पे दरकार ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन ता को लिसन टू म्यूट करो ऑल ऑफ यू केयरफुल म्यूट म्यूट करो समस्त म्यूट म्यूट ये करो समस्त ती साउंड सुबुजे म्यूट करो ठीक है एबे देखो तो नॉर्मली जेहेतु ये ऑक्सीजन ता को प्रॉपर्ली से ऑक्सीजन को ये प्रोसेस रे प्लांट बडी को कोचि ना ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर को रिलीज करछि सेति पे इटा को करे जे ना मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर को पे ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस न होले तो प्लांट बडी को हो ना ऑक्सीजन ता को एटमॉस्फेयर रिलीज करिवनी ता छोड़ा एटमॉस्फेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड अछि कार्बन डाइऑक्साइड ते इंक्रीज करबो जोटा के आपे हार्मफुल किंतु कार्बन डाइऑक्साइड से नॉर्मल प्लांट बॉडी को करे अब्सॉर्ब करे तो प्लांट बॉडी वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड को नबो एबो ऑक्सीजन को रिलीज करछि एटमॉस्फेयर को सेति पे इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड एट द एटीपी दैट मींस हियर तुम स्क्रीन में देखि पातो दैट मींस Photosynthesis convert radiant energy into energy rich compound that is called ATP. तो नॉर्मली को हुए ये जो प्रोसेस रे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे बर्तन जो सोलार एनर्जी पड़ला जो प्लांट रो लीफ ऊपर सनलाइट पड़ुची से सनलाइट टा कन्वर्टेड हो जबो को एनर्जी रिच कंपाउंड लिसन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मन को एमसीक्यू पई एटा क्वेश्चन आसे को प्रोसेस रे वर्तमान कोने व्हिच प्रोसेस इज रिस्पोंसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय यूजिंग द सोलार लाइट सोलार एनर्जी इटा क्वेश्चन आसे त को सोलार एनर्जी की यूटिलाइज करके को प्रोसेस रे एटीपी फॉर्मेशन हुए दैट राइट आंसर विल बी फोटोसिंथेसिस इज इट क्लियर सुनाई दे रहा है ऑल ऑफ यू यस सर यस सर तो बर्तन लिसन बर्तन ए प्रोसेस रे को होची ना सोलार एनर्जी टा कन्वर्टेड हो जबो एनर्जी रिच कंपाउंड एट द एटीपी नेक्स्ट पॉइंट जेहेतु इटा को जी नॉर्मली प्लांट बॉडी एज ए प्लांट विद द प्रोड्यूसर it gives the food to the total whole animal kingdom that's why it's the most sustainable to the earth that means jehetu e plant body ko hochi na jehetu plant body hochi producer si khadya prastut kare au ta upare ame mane samasthe indirectly directly depend koruche sethi pai kon huye na plant body ta most important bartan kaha pai na human beings pai next different type of jetto kudie bartan ame dekhuche jetto kudie bartan heterotroph sikba ama animals ko ta hu bacteria ho fungi ho somost ame green plant pe depend koche kon pai na amar nijaro food supply pai amar nutrient pai jehetu ame somost depend koche plant body upare tenku jodi plant body survive na karibo tale amar world ta survive karibo ni jodi plant body survive kara chaunchi tale photosynthesis most important necessary and mandatory process बर्तन लिसन देखो बर्तन आम इटा ऑलरेडी मु तमन कहि सचे जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल आवर ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट देयर लाइफ एक्टिविटीज जोटा तमन ऑल स्क्रीन इन दिस पॉइंट ए पॉइंट टाको तो नॉर्मली को होची ने जदी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हैला फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हैला माने तो प्लांट बॉडी सर्वाइव करबो प्लांट बॉडी सर्वाइव बोले हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ पाउचे फ्रूट्स पाउते हम जहां किसी फ्रूट्स पाउचे से जो सम फूड पाउचे प्लांट बॉडी पाउचे तो नॉर्मली जो प्लांट बॉडी को करजे हमर लाइफ टा को हमर लाइफ रो एक्टिविटी को हमर लाइफ रो प्रोसेस करबो कैरियन करिया पे हमर लाइफ प्रोसेस टा आगु बढिया पे प्लांट बॉडी हम को न्यूट्रिएंट सप्लाई करजे ओके ऑल ऑफ यू तो सेति पे को मे नॉर्मली प्लांट पर्तन से फोटोसिंथेसिस टा मोस्ट इंपोर्टेंट तो फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस फॉर अस मींस टू द एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम पे फोटोसिंथेसिस ता ये कौन से ना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ओके ऑल ऑफ यू क्लियर सुनाई दे रहे तो क्या होता है अभी देखो जो डिफरेंट ऑफ तुम जो कोयला पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस जोड़ा अछि समान समस्त नॉर्मली को फॉसिल्स फ्यूल्स बिल कहा जाए दैट इज फॉसिल्स फ्यूल्स लिसन ऑल ऑफ यू फॉसिल्स एफ ओ एस एस एल आई फॉसिल्स
ଫସିଲ୍ସ ମିନ୍ସ ନର୍ମାଲି ଯୋଉ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ତମେ ଦେଖୁଛ କିମ୍ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ଦେଖୁଛ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ଫସିଲ୍ ଫୁଲ୍ସ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଆସୁଛି ଏ ଜିନିଷ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡିଟା ଫସିଲ୍ ରେ କନଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ଫସିଲ୍ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ଯିବାଶ୍ମ କହନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫସିଲ୍ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କନଭର୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରୁ କଣ କହୁଛେ ନା ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଉଛେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସେସ୍ ପାଉଛେ ଯଦି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନ ହବ ଯଦି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ୍ୟାରିଅର ନ ହବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡିଟା କଣ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି ଯଦି ଡେଭଲପ୍ ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି ବଞ୍ଚିବୁ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି ଫସିଲ୍ରେ କନଭର୍ଟେଡ୍ ହବନି ଫସିଲ୍ ଯଦି କନଭର୍ସନ୍ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସେସ୍ ପାଇପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିହାତି କହିବା ମୋ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ନିହାତି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ନିହାତି କ୍ୟାରିଅର ଉପରେ ଦରକାର ଏଇ ଯଦି କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଏବେ କ୍ଲିଅରଲି ଶୁଣିପାରୁଛ मतलब क्या होता है तो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो सबुठारु कौन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लिसन समस्त चाहिए ये पिगमेंट जो अच्छे समय देख ये पिगमेंट जो लिखा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट व्हाट इज द वर्क एंड फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर फंक्शन कौन नॉर्मली जी सब पिगमेंट ही था तो जो वर्तमान तो मानो कहुची जो सनलाइट टा पडुची क्लियर सुनाई दरे अबे सुबुज समस्त को यस सर वर्तमान देखो एबे हमें जानले सनलाइट ओरे लाइट एनर्जी बतन पडिला वर्तमान को होची ना सपोज एटा लाइट एनर्जी वर्तमान लाइट एनर्जी पडुची लाइट एनर्जी पडला पर जो प्लांट बडी होची ता प्लांट जो लीफ होची फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रो वर्क कम मेजर फंक्शन क्या थे इटी अब्जॉर्ब इटी कैप्चर द लाइट एनर्जी ताले जो पिगमेंट अच्छा जो डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट मान देखो छ ए माने कोन करंती ना वर्तमान लाइट एनर्जी को कैप्चर करबे लाइट एनर्जी को कैप्चर को करबे ये माने पिगमेंट ना नॉर्मली कोन करंती ना डिफरेंट टाइप जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होची हम जो प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन गुडी को फ्लो करंती देखिबा हम केमिति इलेक्ट्रॉन सब फ्लो करंती से फ्लो प्रोसेस टा को कैरीड आउट करंती को माने ना नॉर्मली ये पिगमेंट माने सेति में कहला तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द जो तमन बोली फोटोसिंथेसिस यूनिट कथा कहली से फोटोसिंथेसिस यूनिट को ना बहुत गुडी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिसिले गोटे फोटोसिंथेटिक यूनिट फॉर्मेशन हो दैट मींस इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट व्हिच कन्वर्ट रिएक्टेंट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी रिच कंपाउंड ता माने ये जो फोटोसिंथेटिक यूनिट अछि फोटोसिंथेटिक यूनिट को करबो ना नॉर्मली फोटोसिंथेसिस यूनिट बर्तन हम जो जोटा हम सोलर एनर्जी अछि सोलर एनर्जी को कन्वर्टर करतबा कन्वर्शन करतबा कोठरे ने एटीएन बाय एटीपी कन्वर्शन दैट मींस हाई एनर्जी कंपाउंड रो कन्वर्शन करतबा एटा कामटा कहार ना कामटा फोटोसिंथेसिस यूनिट रो क्लियरली सुनाय सुबु समस्त को यस सर यस सर किछि प्रॉब्लम होन तबे गोटे सिंगल फोटोसिंथेटिक यूनिट रे कोन होची ना दीटा पार्ट अछि लिसन ऑल ऑफ यू दीटा पार्ट माने कोन सुनो बर्तमान सुनो दीटा पार्ट और दीटा टाइप्स डिफरेंट थिंग्स मीन्स तुमको मुझे कह तुम मान लेग अच्छी हैंड अच्छी लेग अच्छी मैंने ह्यूमन बीइंग्स रो लेग और हैंड वो जो वन टाइप ऑफ पार्ट किंतु मुझे जो टू टाइप्स तुमको कह तुम्हें बॉयज एंड गर्ल्स गर्ल तुमको दी प्रकार किंतु तुम मान पार्ट कथ मैं बयज कह हैंड अच्छे लेग अच्छे गर्ल्स मन हैंड अच्छे लेग अच्छे जो हाथ गोड़ ये तुम गोटे गोटे पार्ट से भाया गोटे फोटोसिंथेसिस यूनिट रिटा पार्ट अच्छी वन इज कौन फोटो सेन्टर अनादित हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स किंतु फोटोसिंथेसिस यूनिट अच्छी दि प्रकार टू टाइप्स फोटोसिंथेसिस यूनिट इज टू टाइप्स दैट इज द फोटो सिस्टम वन एंड अनादित फोटो सिस्टम टू लिसन ऑल ऑफ यू केयरफुली तो फोटोसिंथेसिस जो सिंगल यूनिट अच्छी फोटो सेंटर एंड हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल बर्तमान देख लिसन तुमको डायग्राम शो करुच्छी
तो नॉर्मली गोटे बर्तमान तुमको फोटोसिंथेटिक यूनिट रो डायग्राम सो कोली लिसन देखो केयरफुली बर्तमान देखो हियर लिसन समस्त डायग्राम देखा होसी ऑल ऑफ यू समस्त डायग्राम देखि बचो मो स्क्रीन डायग्राम करछी यस सर यस सर ओके वेरी गुड लिसन इज द रफ डायग्राम ऑफ द फोटोसिंथेटिक यूनिट तो नॉर्मली तो मानको मो फोटोसिंथेसिस यूनिट ता शो करली वर्तमान देखो सेंटर में कोन थाए नॉर्मली में सेंटर में क्या होता है जो क्लोरोफिल ए मु जो मेंशन करली हियर CHL ए मेंशन करली दैट मींस दैट रेफर टू द क्लोरोफिल ए CHL विल ए मींस क्लोरोफिल ए एंड देखो क्या होता है ये जो सेंटर में अभी बताया जो राइट डाउन किया कि क्लोरोफिल ए ये क्लोरोफिल ए ये सेंटर को कहा जाए फोटो सेंटर PHOTO फोटो सेंटर CNTR तामर जो बर्तन तुम रेड कलर मेंशन करछि जो रेड कलर तुम देखा दोछि जो क्लोरोफिल ए मेंशन करली त से रेड कलर जो सर्कल ता देखली सेटा जो फोटो सेंटर बर्तन तुम मानको एपे मु कहली ए सिंगल यूनिट हैज टू पार्ट्स मींस वन इज फोटो सेंटर अनदर इज द हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल सुनाई दे रहे देख जो तुम ब्लू कलर देखो ये देखी पार्छ जो तुम ब्लू कलर देखी जो डार्क कलर ब्लाक कलर देखी सैन देखी ये जो बर्तन देखु आउटसाइड ये आउटसाइड सब टोटल हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल शॉर्ट फॉर्म लिखुचे हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल लिसन तर हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल कोटा ना बर्तन जो रेड कलर सर्कल भीतर तुम देखि पलो रेड कलर ता होची फोटो सेंटर रेड कलर को छाड़ी के जो बाहर पटे मो ब्लू कलर ता शो करची देन डार्क देखो बर्तमान तमाने मुझोटा तमानु शो करछि बर्तन देखि पर्छ बर्तन कहउछि लिसन बर्तन देखो जोटा तमु ब्लू कलर सुबा जो समझते कि यस यस सर ब्लू कलर तो ब्लैक कलर तमे देखि पर्छ से दिटा नॉर्मली कहउछि ना से दिटा कहउछि हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल तले आमे जानिले जो सेंटर रहउछि फोटो सेंटर एंड फोटो सेंटर रो सराउंडिंग फोटो सेंटर रो सराउंडिंग कोन रहउछि ना नॉर्मल रहउछि हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल तले एबे आमे क्लियर हे गेले एबे बर्तन तमे जो डायग्राम देखिली फोटोसिंथेसिस यूनिट रो तमे एबे आमे डायग्राम क्लियर हे गेले जे सेंटर में कोन होता है ना सेंटर में क्लोरोफिल होते हैं एंड देन क्लोरोफिल के सराउंडिंग में क्या होता है ना हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स तो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल आउटसाइड में रहउछि एवं इंटरनली रहउछि के फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट जो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल तुमको देखेली ये हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल फर्दर पर डिविजन इनटू टू टाइप्स वन इज कोर मॉलिक्यूल लिसन ऊपर मेंशन को जो CORE वन इज कोर मॉलिक्यूल आउट अनदर ला एक्टिना मॉलिक्यूल यस को एनी प्रॉब्लम कोन प्रॉब्लम छ को हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल because of it a harvester different type of electrons it a harvester it capture the light energy jehetu ye kon kare na light energy jo hote hai light energy ko ye harvesting karta hai harvesting ka matlab to samajh mein aa raha hai ye jo harvesting karta hai light energy yahan par jo sunlight jo pade bartan sunlight ko ye capture kare jehetu surrounding re ye achhi sethi pe surrounding re sunlight ko capture ki kare it a harvesting molecules जेतु टी हार्वेस्ट द सनलाइट और कैप्चर द सनलाइट और एनर्जी दैट्स व्हाई इट नोन एज द हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स ये जो हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं मैं अभी बताया कि हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स वन इज कोर मॉलिक्यूल अनदर इज द एंटीना मॉलिक्यूल ये जो कोर मॉलिक्यूल कहां पर होते हैं ये जो तमन सब क्लोरोफिल ए देखेली फोटोसिंथेसिस देखी रेड कलर जो ब्लू कलर साइन देखी ठीक से ब्लू कलर जो सराउंडिंग देखे बर्तन से कोर मॉलिक्यूल
ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲେ କୋର୍ ମଲେକୁଲ ତା ମାନେ ଫଟୋ ସେଣ୍ଟରକୁ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଯୋଉ ଲେୟାରଟା ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୋର୍ ମଲିକୁଲ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ସୋ କରୁଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା ଦିସ୍ ରାଉଣ୍ଡିଂ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟେନା ମଲିକୁଲ ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି କ'ଣ ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଫଟୋ ସେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟର ମେ ହୋଇଥାଏ ଉସ୍କେ ବାଦ କିଆ ହୋଇଥାଏ କୋର୍ ମଲିକୁଲ ହୋଇଥାଏ ଉସ୍କେ ବାଦ କିଆ ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଟେନା ମଲିକୁଲ ହୋଇଥାଏ ଯୋ କୋର୍ ମଲିକୁଲ ନା ଆଣ୍ଟେନା ମଲିକୁଲ କୁ କମ୍ବାଇନ୍ଡଲି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ କମ୍ବାଇନ୍ଡଲି ୱି କଲ୍ ଇଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମଲିକୁଲ ଓକେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ନର୍ମାଲି ଶୁଣ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫଟୋ ସେଣ୍ଟର ଆନାଦିତ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମଲିକୁଲ ଫଟୋ ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି ନା ଫଟୋ ନର୍ମାଲି ଫଟୋ ସେଣ୍ଟର ମେ ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଫଟୋ ସେଣ୍ଟରର ସରାଉଣ୍ଡିଂ କି ଥାଏ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମଲିକୁଲ ଏ ଯୋଉ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମଲିକୁଲ ଅଛି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମଲିକୁଲ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ କୋର୍ ମଲିକୁଲ ଆନାଦିତ ଆଣ୍ଟେନା ମଲିକୁଲ କୋର୍ ମଲିକୁଲ କାହା ପରେ ହୋଇଥାଏ ନା କୋର୍ ମଲିକୁଲ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସରାଉଣ୍ଡସ୍ ଦ କ୍ଲୋର ଫଟୋ ସେଣ୍ଟର ଏ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କାହା କଥା ମାନେ ବାହାର ପଟେ ଯୋଉ ଫଟୋ ସେଣ୍ଟର ଏ ଅଛି ତାକୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଥାଏ କିଏ କୋର୍ ମଲିକୁଲ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କୋର୍ ମଲିକୁଲର ସରାଉଣ୍ଡିଂ କିଏ ଥାଏ ସେଟା ଆଣ୍ଟେନା ମଲିକୁଲ ଇଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖିପାରିଲୁ ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିପାରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ସୋ କରୁଛି ୟେଲୋ କଲର ସମୟ ଦେଖାଯାଉଛି ୟେଲୋ କଲର ମୁଁ ୟେଲୋ ଆରମାର୍କ ସୋ କଲି ଓକେ ଦେଖ ୟେଲୋ କଲର ଆରମାର୍କ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପଡିବ ତାହେଲେ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଟଚ୍ କରିବ କହିଲ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଟଚ୍ କରିବ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମଲିକୁଲ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମଲିକୁଲ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ କୋଉଠି କି ନା ଫଟୋ ସେଣ୍ଟରକୁ ଇଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ରଥମେ ଟଚ୍ କରିବ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମଲିକୁଲ ତାପରେ ଆସିବ ଫଟୋ ସେଣ୍ଟରକୁ ଫଟୋ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି କିଏ କ୍ଲୋରୋଫିଲ ମଲିକୁଲ ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଏ ଅଛି ତାହେଲେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମଲିକୁଲ ପୁଣି କାହାକୁ ଟଚ୍ କରିବ ଫାଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମଲିକୁଲ ଆଗ ଆଣ୍ଟିନାକୁ ଟଚ୍ କରିବ ଆଣ୍ଟିନା କେ ବାଦ ଆଇଗା କାହାକୁ କୋର୍ ମଲିକୁଲ କୋର୍ ମଲିକୁଲ ବାଦ ଆଇଗା କାହା ପର କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଏ ପର ସମଝ ମେ ଆରେ କ୍ୟା ବୋଲ ରହା ହୁଁ ସମଝ ବୁଝିପାରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ସେଣ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଭେରି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ବିକଜ ଅଫ୍ ଫଟୋ ପ୍ରୋସେସରେ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଶୀ ଆସେ ତ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାନ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ନୋନ ତମେ ସିଙ୍ଗଲି ଯଦି ଆମେ ସର୍ଟଲି କହିପାରିବ କହିପାରିବା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟୁକୁ ପିଏସ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାନ୍ କୁହାଯାଉ ପିଏସ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟୁ କୁହାଯାଉ ପିଏସ୍ ଟୁ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାନ୍ କୋଉଠି ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟୁ କୋଉଠି ଥାଏ ଟିକେ କେୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ନର୍ମାଲି ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାନ୍ କୋଉଠି ରହିଥିବ ନା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଉଟ୍ ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥାଇଲାକୋଇଡ୍ ଥାଇଲାକୋଇଡ୍କା ମତଲବ କିଆ ଥାଇଲାକୋଇଡ୍କା ମିନ୍ସ କ'ଣ ଥାଇଲାକୋଇଡ୍ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରି ଭେରି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମ୍ସିୟୁ କହୁଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସେଲ୍ 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 ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଦ ଫିଜିକାଲ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଫିଜିକାଲ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଲାଇଫ୍ ର ତ ଫିଜିକାଲ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ କୁହାଯାଏ ଏନିବଡି କି ଜାଣିଛ ଫିଜିକାଲ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥାଅ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ କୁ କିଆ ବୋଲିତେ ନା ଫିଜିକାଲ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କହିଲି ବିକଜ ଅଫ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ କହିଲି ଯୋଉ ଥାଇଲାକୋଡ୍ ଦେଖୁଛି ଥାଇଲାକୋଡ୍ ହଉଛି ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ତ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଉ ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ୍ କାହା କୁହାଯାଏ ଥାଇଲାକୋଏଡ୍ ଡିସି ନହେଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଥାଇଲାକୋଏଡ୍ ଯଦି ଥାଇଲାକୋଡ୍ ଅପସନ୍ ନଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିବ ଗ୍ରାନା ମୁଁ ଏବେ କହିବି ଯଦି ଥାଇଲାକୋଡ୍ କ'ଣ ଗ୍ରାନା କ'ଣ ଦିଗ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ତ ଯଦି ଥାଇଲାକୋଡ୍ ଅପସନ୍ ନଥିବ ତମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମାରିବ ଗ୍ରାନା ତମେ ୟୁମେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ତମେ କହିପାରିବ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଗ୍ରାନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଥାଇଲାକୋଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାନା ଦିଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍
ये दी जन तक अलग प्रकार थाइलाकोड अलग ग्राना अलग मुझे थाइलाकोड मानते कौन और ग्राना कौन तुम क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल जब पढ़ी तुम क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ी से कह तो ग्राना और थाइलाकोड मीनिंग कौन कितने मन रखी था कौन हो नॉर्मली तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्वेश्चन आस तुम सब राइट हैंड मिले थाइलाकोड थाइलाकोड ना राइट हैंड मिले ग्राना इज इट क्लियर देखो देखो क्लियर तुम समझ देखा क्लियरली यस सर बर्तमान देख बर्तमान तुम देखो जी देखो बर्तमान तुम जो देखी पाच सर्कल देख गोटे सर्कल देखी पाते सर्कल भितर देख समे तो नर्माली सर्कल जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर देख पाच गोटे गोटे जो सिल को कहुए थे दिस इन दोनों तो थाइलाकोड किंतु जदि मु कहिबी ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर सम देखु छ समस्त कर मु कॉम्बिनेशन कहिबी मु जे समस्त को मु कंबाइनली फॉर्म कहिबी तामने दिस वन तामने 1 सेकंड तान थर्ड फोर्थ एम जे कंबाइनली फॉर्म कहिबी ताले कॉम्बिनेशन ऑफ थाइलाकोड इज नोन एज द ग्राना इज इट क्लियर समस्त बुझि पाइलो इज ग्राना तामने वर्तमान क्लोरोप्लास्ट रे जो थाइलाकोड अछि जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो सिंगल जो देखि पछ समस्त दिस वन एटा हो दिस 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 मते मेंशन होबे कह दउ छी मने सपोज ए एटा सेकंड वाला बी थर्ड वन त सी एंड फोर्थ वन डी तम जो ए त मन मेंशन कली एटा होछ वन गो थाइलाकोड बी आल्सो थाइलाकोड सी आल्सो थाइलाकोड डी आल्सो थाइलाकोड एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द थाइलाकोड इज स्टॉक लिस्ट ला वन टाइप ऑफ स्टॉक लिस्ट तम देखिलो तो कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ द थाइलाकोड इज नोन एज द ग्राना ओके क्लियर यस सर और बर्तन देखो तमन को जो एबे हम कहली जे वर्तमान होची फोटो सिस्टम 1 टा नॉर्मली थाइलाकोड रो आउटर स्ट्रक्चर देखा जे नॉर्मली को होची इट बर्तन देखो त हम ये बर्तन जो प्रोसेस टा तमन स्ट्रक्चर देखो जो क्लोरोस्ट जो सर्कल बोल दिगुले तम आइडेंटिफाई करली त माने ये जो थाइलाकोड रो आउटर ब्रेन रे त माने देखो थाइलाकोड एम जे अछि ओके थाइलाकोड रा आउटर लेयर की थिबो आउटर लेयर पीएस1 आउटर लेयर रे पीएस1 बा फोटोसिस्टम 1 एंड जो इनर लेयर अछि सपोज मा सॉरी इनर लेयर माने भीतर साइड की इंटर की रहबो ना पीएस2 ओके क्लियर समझ सुनि प यस सर यस सर बर्तन को होची बर्तन तम सेरा शो करची नॉर्मली को हे तमन कोली फोटोसिस्टम 1 देखो ये समझ क्लियर देखो द पीएस1 इट इज लोकेटेड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोड बट पीएसटी इट इज लोकेटेड इन इनर थाइलाकोड सुनो जो पीएस1 तुम देखु छ जो फोटोसिस्टम 1 तार मैक्सिमम लाइट कैपेसिटी सी फोटोसिस्टम 1 को करबो ता जो लाइट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी होची 700 नैनोमीटर ता माने सी 700 नैनोमीटर लाइट अब्सॉर्ब करबो दैट मींस इट अब्सॉर्ब से मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर जो लाइट का वेवलेंथ होता है लाइट का वेवलेंथ को होची ना 700 नैनोमीटर लाइट रो वेवलेंथ से अब्सॉर्ब कर परबो कैप्चर कर परबो सेति पई फोटोसिस्टम 1 को को जाय पी 700 को जाय आल्सो तुम 700 कहिबो मते त फोटोसिस्टम को मते को 1 को पी 700 लाइक दैट पीएस2 रो जो रिएक्शन सेंटर होते पीएक्स2 रो जो लाइट वेवलेंथ जो कैपेसिटी अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी को होवे ना 680 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर सेति पे पीएस2 को को कह जे ना पी सेट बोली मेंशन कर जे ओके ऑल लक्ष्य क्लियर यस सर सुनाई दे रहा है समझ थिंग यस सर वर्तमान में इटा होची डिफरेंस तो तमान को मु टाइम ओवर रे तम नेक्स्ट क्लास रा डिस्क्रिप्शन सब टोटली डिस्क्रिप्शन तम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करबा तो नॉर्मली कहू छी ना तमान मन रख तमान को कोन करबो ना तमान को ए जो जति कांसेप्ट माजी पढ़ेली तो नेक्स्ट कांसेप्ट हमें कोन करबा ना नेक्स्ट कांसेप्ट हमें देखि परबा को रे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेबी तमान काम होला तमान को कोन करबो हमर YouTube चैनल जो विद्यासागर क्लासेस होची सेते देखि परबो गो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ता मोर अपलोड होची तमे से प्रोसेस ता मने सीन कर परबो देखि परबो प्रोसेस ता कोन पढ़ियाई छी ओके अलक्ष्य ओके ओके सर
Till then, thank you. Good night to all. Thank you. Good night, sir. Good night.